अब इसमें दो तीन चीज़ जो हमेशा लोग कमेंट करते हैं, इसमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्यूरेट टाज हो कहाँ से रहा है, ठीक है, कहाँ से हम लोग इसको क्यूरेट कर रहे हैं। तो ये वाला चीज़ दिख रहा है तुम लोगों को, ये आगे यहाँ पे ये वाला प्लेट, इसको खोलने दो पहले। ये वाला प्लेट दिख रहा है, ये वाला सामने, बहुत ध्यान से देखो इसको, बहुत शार्प है, ठीक है, ठीक है। लिखा हुआ बुक में क्या करते हैं, एडेनोइड को शेव करते हैं, तो कोई चीज़ शार्प रहेगा तभी तो शेविंग करोगे, तो ये शार्प इन सबको शेव करना है। तो कैसे रखना होगा, ऐसे, और ऐसे करके शेव करेंगे तो ही क्या होगा, शेव यानी पोजीशन क्या होगा, डैगर। पेशेंट ऐसे है एज यूजुअल रोज पोजीशन में लेटा हुआ, हमको जाना है डैगर पोजीशन में, इस तरह से करना, डैगर मतलब खंजर, देखा ना उसमें खंजर ऐसे करके बांधते हैं ना, तो खंजर की तरह पकड़ो, अंदर जाओ, ऐसे करके शेव कर, मूवमेंट हमेशा इस तरह से दिखाना, ऐसे खरीदने लोग कैसा है, ऐसे इसी तरह से मूवमेंट दिखाना। इसके पीछे में ये लगा हुआ है, इसको बंद कर देना है ऑपरेट के समय, ये है गार्ड, ठीक है, इसलिए देखोगे नाम भी लिखा हुआ है सेंट क्लेयर थॉमसन सेंटर ऑफ क्यूरेट विथ गार्ड। ये वाला पार्ट क्या है, गार्ड, तो गार्ड का काम क्या होगा, अब ऐसे ऐसे कर रहे हो, टिश्यू इसके अंदर फंस रहा है, टिश्यू क्या हो सकता है, गिर सकता है, गिरेगा तो नाजे फरिंग पर रह जाएगा, पेशेंट टूटेगा तो एस्पिरेट कर देगा, तो उससे बचाने के लिए क्या है, गार्ड। जैसे एक बार किए फिर दोबारा किए निकाल दिए, दोबारा किए निकाल दिए, ख़त्म। तो ये तो प्रॉब्लम क्या होगा, इससे नाजो फैनिक को डैमेज कर सकते हो, पोस्टिंग वाल को डैमेज कर सकते हो, ज़्यादा शेव कर दिए ऊपर पहुंच गया, हो सकता है कि कोई अनएक्सपीरियंस आदमी है जाके स्टेशन ट्यूब का ओपनिंग पे मार दिया, तो सारा इंजरी करा सकता है, तो इसका वो हो गया कॉम्प्लिकेशंस।